अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो काइंडली कमेंट्स में बता, वालेकुम का जवाब भी दे दिया करें, प्रॉपरली मैं सलाम लेती हूँ, आप उसका जवाब दिया करें। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से रेलेवेंट है और बहुत लाइक किया आपने इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा आपने मुझे बहुत ज़्यादा, मैं खुश होगी कि आप लोगों को इतनी अच्छी वीडियो लगी है कि कैसे हम लोग एक रूम डेकोर या एक कह सकते हैं हाउस डेकोर कर सकते हैं। तो प्रॉपर्ली मुझसे पूछा गया इंस्टाग्राम पे कि हमारे घर में यूजली लाइक शीशे बहुत होते हैं, लाइक वो शीशे में आप कह सकते हैं मिरर, नॉर्मल जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वो वाले क्लॉक के शीशे, या बात करें हम लोग ये जो हमारी खिड़कियों के जो मिरर होते हैं इस टाइप की चीज़ें, तो ये भी वाकई में बहुत ज़्यादा टूटते हैं हमारे घर में, बहुत ज़्यादा। जिनके घर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा उनके तो समझा गया तबाही डाल देते हैं वो लोग। तो उस पर वीडियो मैं बना रही हूँ कि हम लोग कैसे उसको डेकोर कर सकते हैं, और वो भी सारे एक्रेलिक्स पेंट्स से हम लोग काम करेंगे। तो अभी मेरे पास एक मिरर है जो कि क्लॉक का है, प्रॉपरली टूट गया था, बका हमारे घर में भी वो टूट गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा उसे सब्यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि मिरर बहुत अच्छा था, उसकी ऑलरेडी शेप थी, कटिंग हुई हुई थी, गुलाई में था, तो उस हिसाब से था वो, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर लें, आई मीन क्या फेंकना। तो बाकी ये था कि जब वो टूटा है ना, तो लाइक मिरर बच गया, मज़े की बात तो ये थी कि उसको कुछ नहीं हुआ। तो उस पर फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, अब इस पर वीडियो बनाते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में या इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो रहे हैं काइंडली, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, बिकॉज इस तरह की जो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मैं डालती हूँ अपने चैनल पे, वो आपको बर वक्त पहुँचती रहती है। तो अब आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। जी तो माय डियर यूट्यूब मेंबर्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से अपने मिरर को ले लिया है, इसके जो एजेज हैं वो बहुत ज़्यादा नीट हैं, आपको लग नहीं सकते। अगर आपके पास आप इस तरह का शीशा बनवाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी मिरर शॉप से उनको कहकर जो भी साइज़ आप चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं इस तरह की शेप में, ठीक है। तो अब जी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंस्पिरेशन के तौर पे एक पिक्चर लूँगी, ये वाली पिक्चर मैंने ली है जो मैंने साथ अटैच कर दी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे अपने एक्रेलिक्स पेंट्स ले लूँगी, एक्रेलिक्स पेंट्स जो जो इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग है, वैसे वैसे हम लोग वर्किंग करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनाते जाएंगे। बहुत मज़ा आता है आर्ट एंड डिज़ाइन करने में, जो लोग आर्ट एंड डिज़ाइन से रेलेवेंट हैं वो काइंडली, वो आई एम श्योर दैट वो मेरी वीडियो को एंजॉय करते होंगे, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें, नए नए पेंट्स या मतलब नॉलेज मिलती रहती है। और जो लोग नहीं भी इंटरेस्टेड होते तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग इतना इंजॉय करते हैं मेरी वीडियोज़ को, और इस तरह से हम लोग काम किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को रेनोवेट किया जाता है। तो जी बात करते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग टॉपिक की। तो यहाँ पे मैं देख रहे हैं कि मैं इस तरह से अपनी इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बना रही हूँ ड्राइंग, और कुछ इस तरह से हमारी जो ड्राइंग मैं कर रही हूँ, और साथ साथ हम लोग मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से कलर्स यूज़ होने हैं, वो तो खैर आपकी इंस्पिरेशन से अकॉर्डिंग होंगे। जी तो माय डियर यूट्यूब मेंबर्स, आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैं पेंट्स कर रही हूँ, साथ साथ हम लोग अब ग्रीन पेंट का यूज़ कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आर्ट एंड आर्ट को या अपने ड्राइंग को कंप्लीट कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन आपके पास जब होती है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्या चीज़ ड्रा करनी चाहिए, क्या चीज़ थोड़ा इजी होता है। अगर मैं बात करूँ नेचर, यार बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इजी होता है। अगर आप बात करें दूसरी ड्राइंग्स की जिसमें हम लोग पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं या प्रॉपर एक ह्यूमन फिगर बना रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेचर थोड़ा सा इजी होता है। लैंडस्केप के बाद की नेचर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ड्राइंग करें तो आपकी ड्राइंग भी बहुत सीधी हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं।
जी तो माय डियर यूट्यूब मेंबर्स, कुछ इस तरह से हम अपनी वीडियो को बना रहे हैं। अब साथ में मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ, येलो कर रही हूँ या थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ चीज़ों को। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरी ड्राइंग को कंप्लीट करते जाना है। तो आप साथ साथ वीडियो को इंजॉय करें, मैं साथ साथ आपको वर्बली भी बता रही हूँ कि किस तरह से ड्राइंग की जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने ऊपर कोई कोटेशन कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग की कोटेशन दे रही हूँ या जैसे आप लोगों को इजी लगे। तो ये खूबसूरत सी हमारी ड्राइंग यहाँ पे होती है कंप्लीट। जी तो माय डियर यूट्यूब मेंबर्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक खूबसूरत से शीशे को एक अच्छा सा कलर दिया, एक अच्छी सी ड्राइंग उसके ऊपर की। तो अब उसकी फाइनल लुक कुछ इस टाइप की है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये भी क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक्रेलिक्स पेंट यूज़ किए हैं, और एक्रेलिक पेंट जो होते हैं वो हमारे लाइक ये आप देख सकते हैं वॉशेबल होते हैं, ठीक है। आप उसको ईजिली अगर गंदा हो जाए जो भी होता है आप उसको वॉश कर सकते हैं प्रॉपरली। ये था हमारा नेक्स्ट या कह सकते इस वीडियो का डेकोरेशन पीस, मैं आपके साथ दिखा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक में या किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक में। आई डोंट नो वो ड्रेस रेलिवेंट होगी या कुछ इससे भी डिफरेंट होगा। तो जी तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, दोबारा अल्लाह ताला की ईमान में रहें आप सब लोग। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।